ये दोनों जज पंडित लोग हैं, दोनों पंडित हैं। ये दोनों जो जज बैठ के अपने जो हक है, जो अनुसूचित जाति जनजाति का जो एट्रोसिटी जब होता है उसके लिए प्रिवेंशन करने के लिए हमने 1989 एक्ट के ऊपर और उसके बाद और 89 आने के बाद वो किसी आदमी को पनिशमेंट नहीं दे रहा। तो इसकी वजह से हम लोग नेशनल कोल्यूशन फॉर SC ST एक्ट बोल के उसमें से तो 200 नेशनल ऑर्गेनाइजेशन 10 साल तक लड़के और उसके लिए अमेंडमेंट लेके, उस अमेंडमेंट के हिसाब से कहीं भी दलितों के ऊपर अत्याचार होता है और उसको मारपीट करता है उसको इमिडिएटली अरेस्ट करना जी, सो नो बेल। उसके जो यह जो अमेंडमेंट एक्ट बोलता है 2015, ये SC ST एक्ट अमेंडमेंट एक्ट के हिसाब से 2015 के हिसाब से कोई भी अपने दलितों के ऊपर अत्याचार करता है, मारपीट करता है, कोई जाति के ऊपर गाली देता है तो इमिडिएटली अरेस्ट करने के लिए उसके लिए वो कानून बता रहा है। लेकिन 9 के अंदर ये रूल बनाता है, ये जो 15 में ये हम लोग ये सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट हम लोग अपोज कर रहे हैं और उसको भारत गवर्नमेंट में जो मोदी सरकार ने हम लोग ये चाहते ये हम लोग ये कुछ सोच रहे हैं इसके पीछे BJP गवर्नमेंट है, सुप्रीम कोर्ट BJP गवर्नमेंट है। हाँ, BJP गवर्नमेंट 100% होगा इसके अंदर, क्योंकि इस देश में BJP आने के बाद दलितों को पर पहले 80 हर 18 मिनट के एक बार अत्याचार होता है और BJP आने के बाद हर 5 मिनट में अत्याचार हो रहा है। तो देखिए ये BJP हम लोग आने के बाद हम लोगों को रक्षा नहीं है इस देश में, क्या हो सकता है? ये दोनों जजेस है हमारे BJP के साथ मिलके ये जजमेंट दिया बोल के हम लोग सस्पेक्ट कर रहे हैं और ये जजमेंट रिव्यू करना चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिव्यू पिटीशन डालना चाहिए। और जो कल 2 अप्रैल 2 तारीख कल ये पूरा देश में सब दलित ऑर्गेनाइजेशंस मिल के भारत बंद किया है, हम लोग आप लोगों को दलित लोगों को मैं अनुरोध करता हूँ पूरे फैमिली के साथ यार पूरा भारत बंद करना और जब तक ये रिव्यू पिटीशन डालता है वो ये केस वापस लेना है, इसको केस डिसमिस करना है। और उसके महाराष्ट्र गवर्नमेंट है और जो केस जो डाला है तो उसको रिव्यू करना चाहिए इमिडिएटली।